रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया है कि लोगों से जंग करूं इस वक्त तक कि वो इस बात का करार कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई महबूब नहीं और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं, और नमाज अदा करने लगें और ज़कात दें। जिस वक्त वो ये करने लगें तो मुझसे अपनी जान व माल को महफूज कर लेंगे सवाए इस्लाम के हक के। रहा इनके दिल का हाल, इनका हिसाब अल्लाह के जिम्मे है। सही बुखारी हदीस नंबर 25। मोमिनो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और मरना तो मुसलमान ही मरना, और सब मिलकर अल्लाह की हिदायत की रस्सी को मजबूत पकड़े रहना और फिरके फिरके न हो जाना, और अपने ऊपर अल्लाह की उस मेहरबानी को याद रखना जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी और तुम उसकी मेहरबानी से भाई भाई हो गए, और तुम आग के गढ़े के किनारे तक पहुंच चुके थे तो उसने तुमको उससे बचा लिया। इस तरह अल्लाह तुमको अपनी आयतें खोल खोल कर सुनाता है ताकि तुम राह रास्त पर रहो। जिन लोगों ने अपने दीन के हिस्से बखरे कर लिया और खुद भी कई कई फिरके हो गए, उनसे तुमको कुछ काम नहीं। उनका काम अल्लाह के हवाले, फिर जो जो कुछ वो करते रहे हैं वो उनको सब बताएगा। जो कोई अल्लाह के हुजूर नेकी लेकर आएगा तो उसको वैसी 10 नेकियां मिलेंगी, और जो बुराई लाएगा तो उसे सजा उस जैसी ही मिलेगी, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। कह दो कि मुझे मेरे परवरदिगार ने सीधा रास्ता दिखा दिया है, यानी दीन सही, तरीका इब्राहिम का, जो एक अल्लाह ही के हो रहे थे और मुशरिकों में से न थे। यह भी कह दो कि मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है, जिसका कोई शरीक नहीं, और मुझको इसी बात का हुक्म मिला है, और मैं सबसे अव्वल फर्माबरदार हूं।